कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के को उसके हॉस्टल में रहने वाले लड़के लूज़र कह के बुलाते हैं, और उस लड़के को एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसका अफेयर कॉलेज के एक बहुत ही बड़े प्रोफेसर के साथ चल रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शकीरा फिल्म्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा, और मेरे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ, जिसका नाम है लूज़र और ये 2006 में आई थी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। तो अब एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पॉल एक छोटे शहर का रहने वाला एक इंटेलिजेंट लड़का है, जिसे न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली है। इस बात से उसके फैमिली वाले काफ़ी खुश हैं। वो पॉल के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहाँ पर उनके नेबर्स और रिलेटिव्स काफ़ी एंजॉय करते हैं। पार्टी में पॉल के फादर उससे कहते हैं कि वहाँ जाकर अच्छे से पढ़ाई करना, अलग अलग एक्सपीरियंस लेना और ढेर सारे दोस्त बनाना, तुम हर तरीके की चीज़ों को एक्सप्लोर करना। यहाँ हमें पता चलता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और इस स्कॉलरशिप की उसे काफ़ी ज़रूरत थी। यूनिवर्सिटी में जाकर पॉल पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करने वाला है, ताकि एटलीस्ट वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके। इसके बाद पॉल न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। मेट्रो में ट्रेवल करने के दौरान वो अपनी सीट को एक ओल्ड लेडी को ऑफर करता है। उसके इस बिहेवियर से वहाँ पर कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लेडी उस सीट पर बैठ पाती, एक दूसरा लड़का वहाँ पर आकर बैठ जाता है। ये बात पॉल के लिए काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि वो एक बहुत ही काइंड लड़का था और न्यूयॉर्क में कोई किसी से काइंडली बिहेव नहीं करता है, इसके बारे में उसे आइडिया नहीं था। यूनिवर्सिटी में भी पॉल सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है, वो सबसे बात करने और सबसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में उससे कोई भी अच्छे से बात नहीं करता है। इसके बाद पॉल अपने रूममेट से मिलता है, जिनका नाम क्रिस एडम और नोवा है। वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो हमेशा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग और पार्टीज करने में बिजी रहते हैं और उनका पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता था। पॉल अपनी यूनिवर्सिटी की क्लासेज अटेंड करता है। उसके कपड़े नॉर्मल और ओल्ड स्टाइल फैशन के थे। बाकी स्टूडेंट्स उसको देख के हंसने लगते हैं। वो अपनी एक क्लास में डोरा से बात करने की कोशिश करता है। प्रोफेसर एडवर्ड एलकॉट, जो कि उस समय क्लास ले रहे थे, बात करने के लिए पॉल को काफ़ी डांटते हैं। असल में प्रोफेसर एडवर्ड का अपनी स्टूडेंट डोरा के साथ अफेयर चल रहा होता है और एडवर्ड पब्लिकली इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि डोरा की एज कम है और उसकी ज़्यादा, और इस वजह से उसकी जॉब भी जा सकती है। अगले सीन में पॉल अपने कमरे में पढ़ाई करता है और उसके दोनों रूममेट्स अपने बाकी के फ्रेंड्स के साथ वहीं पर पार्टी करते हैं। पार्टी की आवाज़ से पॉल को पढ़ाई करने में डिस्टर्ब होता है, तो क्रिश से कहता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर लो। क्रिश कहता है कि तुम्हें कॉलेज में कोई भी पसंद नहीं करता है, तुम बहुत ही बोरिंग हो, तुम्हें अपने स्टाइल को बदलना चाहिए। लेकिन पॉल उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेता है और उसे जहाँ भी जगह और समय मिलता है वो अपनी पढ़ाई करने बैठ जाता है। इधर डोरा एक बार में वेट्रेस का काम करती थी, उसे भी पॉल की तरह अपनी पढ़ाई की फीस के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। बार में एक कस्टमर उसके साथ मिसबिहेव करता है तो डोरा उसे भला बुरा कह के वहाँ से चली जाती है। डोरा की शिफ्ट खत्म होने के बाद उसके बॉस उससे बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम कस्टमर से अच्छे से बिहेव नहीं करती हो। डोरा उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके बॉस उसकी एक भी बात नहीं समझते हैं। आज रात वो घर जाने के लिए काफ़ी लेट हो जाती है और इस वजह से उसकी ट्रेन भी छूट जाती है। उसे रात स्टेशन पर ही गुजारना पड़ता है। अगले सीन में पॉल जब ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है तो उसका ब्रश डस्टबिन में मिलता है, और ये काम एडम ने किया था। पॉल का हमेशा पढ़ाई करना उसके तीनों रूममेट्स को अच्छा नहीं लगता था और वो हमेशा उससे चिढ़े रहते थे। इसके बाद से वो तीनों मिलकर रूम के ओनर से मिलते हैं, जहाँ पर पॉल को भी बुलाया जाता है। ये तीनों उसके बारे में काफ़ी झूठी बातें कहते हैं, जैसे कि वो स्मोकिंग करता है, साफ सफाई पे ध्यान नहीं देता है, और इस वजह से उनको पॉल के साथ नहीं रहना है। पॉल यहाँ पर नया था तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है और इसके बाद से उसे रूम से निकाल दिया जाता है। इधर डोरा भी इसी तरह की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी तो वो बैंक से लोन लेने के लिए जाती है, लेकिन उसके पास कोई फिक्स जॉब नहीं थी, इसीलिए बैंक मैनेजर उसे लोन देने से मना कर देता है। डोरा काफ़ी लाचार हो गई थी। इधर पॉल को भी एक घर की सख्त ज़रूरत थी। वो अपना खर्चा चलाने के लिए एक पेट शॉप में काम करने लगता है और वहीं पर उसे रहने की जगह भी मिल जाती है। एक दिन उनका फिजिक्स का टेस्ट था, जिसमें पॉल के काफ़ी ख़राब नंबर आते हैं। वो अपने प्रोफेसर एडवर्ड से कहता है कि मैं अपने रूममेट्स की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाया और इस वजह से वो फेल हो रहा था। वो एडवर्ड से अपने कुछ मार्क्स बढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन वो इस बात के लिए मना कर देता है। अगले सीन में एडवर्ड और डोरा साथ में होते हैं। एडवर्ड का 7 बजे एक लेक्चर था तो वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। डोरा उसे पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, लेकिन एडवर्ड इस बात के लिए मना कर देता है। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उनके अफेयर के बारे में किसी को भी पता चले। डोरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पॉल और डोरा एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। पॉल को डोरा अच्छी लगने लगी थी और डोरा को भी पॉल एक अच्छा लड़का लगता था। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक पार्टी का प्लान करते हैं और ये पार्टी पॉल के पेट शॉप में होने वाली थी, जहाँ पर क्रिश, नोवा और एडम भी आने वाले थे। सारे मिलकर पेट शॉप की डेकोरेशन करते हैं। इसके बाद से उनकी पार्टी शुरू होती है। इस पार्टी में एडम ने डोरा को भी इनवाइट किया था। पॉल को पार्टी ज़्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पार्टी में लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है। डोरा को उसके फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पिला दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। पार्टी खत्म होती है और सब अपने घर चले जाते हैं,
और पॉल को अकेले ही सारे पेट शॉप की सफाई करनी पड़ती है। सफाई करते हुए उसे डोरा टॉयलेट में मिलती है। उसे देखकर पॉल को लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी ली है, जिसकी वजह से वो नींद में है। जब वो उसको चेक करता है तो पता चलता है कि डोरा बेहोश है। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर डोरा के बारे में पॉल से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। वो उसे पूछता है कि क्या डोरा ने ड्रग्स लिए थे। पॉल कहता है कि उसने ड्रग्स नहीं लिए थे, लेकिन पार्टी में उसने काफ़ी अल्कोहल पी लिया था। डॉक्टर उसे एडमिट कर लेता है। वो पॉल से कहता है कि तुम उसके क्या लगते हो, आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए पॉल उससे कहता है कि मैं डोरा का बॉयफ्रेंड हूँ। धीरे धीरे डोरा ठीक हो जाती है। डोरा के पास रहने को कोई घर नहीं था, तो पॉल उसे अपने साथ पेट शॉप में ही लेकर आता है, जहाँ वो उसके साथ काफ़ी दिनों तक रहती है। डोरा की वजह से पॉल को काफ़ी ट्रबल हुआ था, तो इसके लिए वो उससे माफ़ी मांगती है। पॉल कहता है कि तुम बस अपना ख्याल रखो। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने पार्टी में ड्रग्स लिए थे, क्योंकि रिपोर्ट में तो यही लिखा था। डोरा कहती है कि मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया था, बस एक गिलास जूस पिया था, जिसको पीते ही मुझे चक्कर आने लगे थे। बातों बातों में डोरा उसे अपने और एडवर्ड के रिलेशन के बारे में बता देती है। पॉल एडवर्ड से बात करने का डिसीजन लेता है। जब वो एडवर्ड से डोरा और ड्रग्स के बारे में पूछता है, तो एडवर्ड बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि डोरा मुझसे प्यार करती है। स्कूल्स कॉलेज में अक्सर स्टूडेंट्स को अपने टीचर पर क्रश हो जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके अफेयर्स किसी और को पता चले। इसके बाद पॉल डोरा को इम्प्रेस करने के लिए एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है पॉल लव्स डोरा, और इसे वो कुछ फ्लावर के साथ उसे दे देता है। डोरा आज कॉलेज नहीं गई थी, तो इसीलिए वो पेट शॉप में काम कर रही थी। उसने पॉल के रूम को भी काफ़ी अच्छे से सजाया था। जब वो उसका लेटर पढ़ती है, तो उसे लगता है कि ये एक फ्रेंडशिप वाला प्यार है, और इसीलिए इस बात पे ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। पॉल को डोरा से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एक दिन वो दोनों साथ में घूमने जाते हैं। डोरा पॉल को फैशन के कुछ टिप्स देती है और उसके लिए कुछ कपड़े रिकमेंड करती है। जब वो अपने पेट शॉप पर वापस आते हैं, तो उन्हें एक बिल्ली का बच्चा दिखता है, जो कि अभी अभी पैदा हुआ था। दोनों मिलकर उसकी हेल्प करते हैं। बातों बातों में पता चलता है कि पॉल की एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने पॉल को छोड़ दिया। डोरा भी एडवर्ड के बारे में कहती है कि एडवर्ड उसे पसंद तो करता है, लेकिन उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है। पॉल भी उससे कह देना चाहता था कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, और इसीलिए तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता है, लेकिन ये बात वो कह नहीं पाता है। इसके बाद डोरा उसे हक करके वहाँ से चली जाती है। डोरा को भी पॉल अब अच्छा लगने लगा था। इसके बाद से वो अपने लिए एक जॉब ढूंढने जाती है, लेकिन कोई ना कोई कमी होने की वजह से उसे हर जॉब में रिजेक्ट कर दिया जाता है। अंत में उसे एक हार्वेस्टिंग का जॉब मिल जाता है, जहाँ पर उसकी पेमेंट भी अच्छी थी। इसे सेलिब्रेट करने के लिए वो पॉल के साथ पार्टी करती है। दोनों मिलकर एग्जीबिशन में जाते हैं, शू शॉप में जाते हैं, और अच्छे अच्छे खाने को एंजॉय करते हैं। घर आकर पॉल पिज्ज़ा का प्लान बनाता है, जो डोरा को भी काफ़ी पसंद था। वो पिज्ज़ा लेने के लिए बाहर चला जाता है, साथ में वो कुछ फ्लावर्स भी खरीद लेता है। अपने समय को एंजॉय करने के लिए वो एक मूवी भी रेंट पर लेना चाहता है। मूवी शॉप का ओनर उसे सजेस्ट करता है कि एक लड़की के साथ उसे किस तरह की मूवी देखनी चाहिए। पॉल काफ़ी खुश था, लेकिन जैसे ही वो अपने घर आता है, उसकी सारी खुशियां हवा हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर एडवर्ड भी आया हुआ था। डोरा कहती है कि मुझे एडवर्ड लेने आया है, क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। इस बात से पॉल को काफ़ी दुख होता है। डोरा फिर एडवर्ड के साथ चली जाती है। इसके बाद से पॉल काफ़ी उदास रहने लगा था, और डोरा को भी पॉल से बात करने का टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि वो हमेशा एडवर्ड के साथ रहती थी, और पॉल हमेशा डोरा को देखता रहता था और उसके बारे में सोचकर हमेशा दुखी हो जाता था। एक दिन डोरा पॉल से बात करने आती है, तो वो कहता है कि तुम्हें जो ड्रग्स दिया गया था, उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है। डोरा इस बात से सरप्राइज थी कि पॉल अभी भी उस ड्रग्स पे रिसर्च कर रहा है। इस बात के लिए वो उसे थैंक यू बोलती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। उसे पता था कि डोरा उसे पसंद नहीं करती है, तो फ्रेंडशिप रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगले सीन में डोरा एडवर्ड के साथ होती है। वो उसे बताती है कि पार्टी में मेरे ड्रिंक्स में किसी ने ड्रग्स मिलाया था, लेकिन एडवर्ड को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वो अपने लिए चाय बनाने लगता है। डोरा जब इस बारे में उससे पूछती है, तो वो कहता है कि क्रिस, एडम और नोवा तीनों मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्हें हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया है, और वो चाहते हैं कि मैं उन्हें एग्जाम में पास कर दूं। और साथ में वो कहता है कि उन तीनों के साथ पॉल भी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ये सुनकर डोरा को थोड़ा दुख होता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि पॉल भी ऐसा कर सकता है। अगले सीन में डोरा कहीं जा रही होती है, तो उसके पास एडम और नोवा आते हैं और कहते हैं कि अगले हफ्ते हमने एक पार्टी प्लान किया है, जिसमें प्रोफेसर एडवर्ड भी आ रहे हैं। सारे पार्टनर्स मिलकर पार्टी के लिए जाने वाले हैं, ताकि उन्हें कोई रोक ना सके। डोरा पार्टी में आने के लिए मान जाती है। पॉल को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि पार्टी में डोरा को जो ड्रग्स दिया गया था, वो एक तरह का मेडिसिन है, जिसको पीने से आदमी बेहोश हो जाता है। वो पूरी तरह से श्योर हो जाता है कि इस काम को करने में क्रिस, एडम और नोवा का हाथ है। इसके बाद वो एक मेडिकल शॉप में जाता है और उसी ड्रग्स जैसा दिखने वाला एक मेडिसिन बाय करता है, जिसको खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। और इसके बाद से वो उन तीनों के पास जाता है और बड़ी ही चालाकी से उनके खरीदे हुए ड्रग्स को अपने खरीदे हुए मेडिसिन से बदल देता है और उन ड्रग्स को डस्टबिन में डाल देता है। पार्टी में वो तीनों लड़कियों की ड्रिंक्स में
वो मेडिसिन मिला देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी कोई लड़की बेहोश नहीं होती है। उन तीनों को ये बात काफी सरप्राइजिंग लगती है कि आज वो दवा काम नहीं कर रही है। घर आकर वो अपने ड्रग्स को चेक करते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये वो ड्रग्स नहीं है, इसे किसी ने एक्सचेंज कर दिया है। और उनका पहला शक पॉल पे जाता है। पॉल एडवर्ड से मिलने के लिए उसके केबिन में जाता है जहाँ पर वो किसी लड़की के साथ था। इसका मतलब ये था कि उसका इस लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है। पॉल उससे डोरा के बारे में बात करता है। एडवर्ड बात बदलने के लिए पॉल को उसके एग्जाम का रिजल्ट थमा देता है जो कि ए ग्रेड था, लेकिन एग्जाम्स तो अभी हुए ही नहीं थे। पॉल एडवर्ड से पूछता है कि ये सब क्या है। एडवर्ड कहता है कि मेरी क्रिस के साथ डील हुई थी कि मैं तुम सबको एग्जाम में पास कर दूं। पॉल कहता है कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इस तरह से एग्जाम नहीं पास करना है, मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना है, इसीलिए मैं एग्जाम देकर पास होऊंगा। एडवर्ड को यह सुनकर थोड़ा शॉकिंग लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि पॉल भी क्रिस, एडम और नोवा के साथ मिला हुआ है। इसके बाद क्रिस पॉल के पास आता है और उसे पूछता है कि तुमने हमारे मेडिसिन को क्यों चेंज किया था। पॉल कहता है कि तुम लोग जो काम कर रहे थे वो काफी गलत था। इसके बाद दोनों में झगड़ा होने लगता है और इस बार पॉल क्रिस पर भारी पड़ता है। इधर एडवर्ड डोरा के साथ होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम मेरे साथ काम करने वाली एक टीचर हो। वो डोरा को उसके कपड़े पहनने का तरीका और उसके बिहेव करने का तरीका भी चेंज करने को कहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सके। अगले सीन में पॉल अपने डैड से बात कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि उसे डोरा बहुत अच्छी लगती है और वो उसे काफी मिस कर रहा है। ये बात डोरा चुपके से सुन लेती है। उसे पता चलता है कि पॉल उसे बहुत पहले से प्यार करता है। इसके बाद से एडवर्ड डोरा को शॉपिंग करने के लिए ले जाता है जहाँ पर वो उसे कुछ क्लासी कपड़े चूज करवाता है और उसे अपने हिसाब से रहने के लिए कहता है। एडवर्ड का डोरा को इस तरह से डोमिनेट करना अच्छा नहीं लगता है। वो डोरा को बताता है कि पॉल उस ब्लैकमेलिंग में शामिल नहीं था, उसे फ्री के मार्क्स नहीं चाहिए। ये सुनकर डोरा को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके दिमाग में पॉल के लिए जो गलतफहमी चल रही थी वो भी साफ हो जाती है। उसे याद आता है कि जब वो बीमार थी तो पॉल ने उसके लिए फ्लावर्स लाए थे। उसे अभी तक ये लग रहा था कि ये फ्लावर्स एडवर्ड ने भेजे थे। डोरा को ये बात क्लियर हो जाता है कि पॉल ने उसे बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है। इसके बाद डोरा पॉल के पास आती है और दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्रिश, जो हमेशा लड़कियों के पीछे भागता था, उसके बाल खत्म हो गए हैं। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि उसके चेहरे से अट्रैक्ट होकर कोई भी लड़की उसके पास आती है। एडम के पास ड्रग्स होते थे तो उसे कुछ महीने के लिए जेल हो जाती है और अब वो एक अच्छा आदमी बन गया है। और नोवा एक बहुत ही इफेक्टिव पार्टी ड्रग बनाने की कोशिश करता है जिसका ट्रायल वो खुद पर ही करता है। एडवर्ड को भी फाइनली जेल हो जाती है। उसके अफेयर्स अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ था जो अंडर एज थी। फाइनली पॉल और डोरा अब साथ में थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल शकीरा फिल्म्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।